स्वागत है फ्रेंड आपका एक नए वीडियो में। और आज हम हैं आपके खजूरी डैम मिर्ज़ापुर में। यह है लोअर खजूरी डैम, जहाँ से देखिए पानी का कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टोर किया गया है। स्टोर करने के बाद इस पानी को यहाँ से आपके नीचे से छोड़ा जाता है। और ये इतना बड़ा क्षेत्रफल है जहाँ से पानी जो है नीचे जाता है। और ये आसपास का क्षेत्र है जहाँ से मतलब सिंचाई के लिए पानी पहुँच पाया। और ये क्षेत्रफल आपका बहुत बड़ा है बांध का। और ये है बांध की दीवार। तो अगर आप मिर्ज़ापुर से हैं तो इसको जानते होंगे ज़रूर। और ये क्षेत्र जो है पर्यटन के लिए जाना जाता है अक्सर। और ये पानी जो है बहुत बड़े क्षेत्रफल में जो है स्टोर किया जाता है। इस बारिश के पानी को यहाँ पे स्टोर किया जाता है। और यहाँ से स्टोर करने के बाद धीरे धीरे पानी को छोड़ा जाता है। पानी का स्तर इस समय थोड़ा कम है, यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ तक के पानी जो है देख रहे हैं ये पानी की दीवारों में लीकेज है। और इधर ग्रामीण जो है अपना पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड ये है आपका मिर्ज़ापुर का लोअर खजूरी डैम। तो मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन से मात्र 5 से 6 किलोमीटर दूर पे ये स्थित। और आप यहाँ पे अपने साधन से या ई रिक्शा से आप किसी भी तरीके से आ सकते हैं। ये रास्ता जो है यहाँ तक स्टेट हाईवे का भी रास्ता आता है। के लिए ये जगह जो है पर्यटन की स्त्री दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी संडे के दिन भीड़ काफ़ी होती है। अदर वर्किंग डेज में तो भीड़ की क्वांटिटी कम होती है, बट संडे को यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ होती है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे है आपका लोअर खजूरी डैम मिर्ज़ापुर में है। हेलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नहीं, स्वाति से भी नहीं।